हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इन दिस लेक्चर हम कवर करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, एडवांस टैक्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, और इस इनकम के ऊपर टैक्स एसेसेबल होता है इन असेसमेंट ईयर। इन शॉर्ट, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है और रिटर्न सबमिट करनी होती है। However, under Income Tax Act, there is a concept of prepayment of tax. Prepayment of tax मतलब जो tax previous year में ही government को जमा कराया जाएगा। यहाँ पर cover होता है TDS and TCS। जब आपको पैसा मिलता है तो आपके source पर tax काट कर payer government को जमा करा देता है, that is called TDS। That is a prepayment of tax। ये सब previous year में होता है। And second point is assessment, advance tax, जो हम cover करेंगे। एस्टिमेटेड टैक्स में से TDS को माइनस किया जाता है, और अगर ये टैक्स एक लिमिट को टच कर जाता है तो आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा, आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है। ठीक है, सो क्या है एडवांस टैक्स, कितनी लिमिट है, आइए फटाफट देखते हैं। एज पर सेक्शन 208, एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेबल बाय SSC ड्यूरिंग दैट ईयर इज 10,000 और मोर। SSC को अपनी इनकम को एस्टिमेट करना होता है, और अगर इस एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स 10,000 को टच कर जाता है, दैट इज 10,000 और मोर, तब SSC को टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। ही डोंट हैव टू वेट टिल असेसमेंट ईयर। एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट होगा असेसमेंट ईयर में। सो व्हाट SSC हैज टू डू, SSC विल कैलकुलेट हिज करंट इनकम। क्या है ये चीज, मतलब He has to estimate his total income which he can calculate, sorry, which he can earn in previous year. SSC ये एस्टिमेट करेगा कि मैं कितना पैसा कमाने वाला हूं। सो अभी हम प्रीवियस ईयर 15-16 की बात कर रहे हैं, तो SSC कहेगा यार मैं हर साल अपनी सेल्स को 10% ग्रो कर जाता हूं, और मेरी टोटल इनकम पर अप्रोक्सीमेटली 10% की ग्रोथ रहती है। सो अगर SSC ने लास्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 14-15 में पैसा कमाया था, मान लीजिए 4,00,000 रुपया, तो SSC एक एस्टिमेशन कर रहा है दैट ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस इन दिस ईयर आई एम गोइंग टू अर्न अप्रोक्सीमेटली 4,40,000 रुपीज। 10% का उसने एक एस्टिमेशन ऐड कर दिया, 4,40,000 रुपए। तो SSC हैज टू एस्टिमेट। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एस्टिमेट, बिकॉज बेटा एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करेगा जब 31 मार्च 2016 खत्म हो जाएगा, जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। तो याद रखेगा एडवांस टैक्स हमेशा एस्टिमेशन बेसिस पर होता है, जो एक्चुअल टैक्स से वेरी कर सकता है। ठीक है, तो एक एस्टिमेशन बना रहे हैं कि ओके, हम 4,40,000 रुपया इस साल कमाने वाले हैं, और इस 4,40,000 में से आई कैन क्लेम 80C to 80U डिडक्शन अप टू 25,000 रुपीज। मैं 25,000 रुपए की डिडक्शन भी क्लेम कर लूंगा। ठीक है जी, सो अगर SSC की इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम एस्टिमेटेड है 4,40,000, और He is going to deposit 25,000 in different investments. तो उसे 80C से 80U की deduction मिल जाएगी, approximately 25,000 रुपया। तो his estimation of current income comes out 4,15,000, मतलब SSC 4,15,000 रुपया कमाने वाला है। इस 4,15,000 पर he will apply tax rate for
असेसमेंट ईयर 16-17, जो असेसमेंट ईयर 16-17 के टैक्स रेट हैं वो प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए बेटा एडवांस टैक्स रेट कहलाते हैं। प्रीवियस ईयर 15-16 एंड असेसमेंट ईयर 16-17 वन एंड सेम थिंग, बस डिफरेंस ये होगा जो असेसमेंट ईयर 16-17 के रेट हैं वो प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए एडवांस टैक्स रेट कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके ऊपर टैक्स निकालना है। जब टैक्स निकालेंगे, फर्स्ट 2,50,000 पर रहेगा नल एंड नेक्स्ट 1,65,000 पर होगा 10%। 10% दिस इज 16,500, तो टोटल टैक्स आ गया 16,500 रुपया। आउट ऑफ दिस 87A की रिबेट ही इज क्लेमिंग 2,000 रुपीज, सो टोटल इज 14,500 प्लस 3% ईसी एंड एसएचईसी। जैसे आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना होता है, 3% ईसी एसएचईसी So total is 14,935. Say this is total tax. And remember, इस total tax में से अगर कोई TDS है तो वो माइनस करना होगा। मान लीजिए SSC says मेरा टैक्स इस महीने इस ईयर में डिडक्ट होने वाला है सोर्स पर 4,000 रुपया, से 4,035 रुपीज। He is saying मेरा टैक्स 4,035 रुपीज डिडक्ट होगा, तो 4,035 रुपीज माइनस कर दिया जाएगा। सो TDS को माइनस करना है एडवांस टैक्स की लायबिलिटी चेक करने के लिए। सो ये हमारे पास रहेगा 10,900 रुपीज। सो SSC अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करेगा, उसके ऊपर टैक्स कितना बन सकता है ये डिटरमाइन करेगा। सारे जैसे बेनिफिट असेसमेंट ईयर में लेता है बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन करेगा। नाउ दिस टैक्स इज 10,900, मतलब SSC ये एस्टिमेट करता है कि सब अगर ऐसे ही रहा तो मैं असेसमेंट ईयर में 10,900 रुपया और पे कर दूंगा। स्टॉप, यहीं पर सेक्शन 208 बेटा इंटरवीन करेगा। क्या कहता है सेक्शन 208? अगर एक व्यक्ति का टैक्स ऑन हिज करंट इनकम 10,000 या उससे ज्यादा है तो वो एडवांस टैक्स के रूप में पे करना होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप असेसमेंट ईयर के वेट नहीं करेंगे। अगर कम पे करते हैं तो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, आप बैलेंस पे कर दीजिएगा। अगर ज्यादा पे किया है तो जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। सो यहां पर मिस्टर ए हमारे SSC ने एस्टिमेट किया है कि मुझे अपना टैक्स 10,900 पे करना पड़ेगा। सो ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब ही डोंट हैव टू वेट टिल असेसमेंट ईयर, ही हैज टू पे फुल 10,900 इन प्रीवियस ईयर 15-16 इटसेल्फ। ठीक है, अब दो सिचुएशन ऐसी हैं बेटा जहां पर एडवांस टैक्स पे नहीं होता। अभी असेसमेंट प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए दैट इज जो हमारे एग्जाम अब जून एंड दिसंबर 2017 में होंगे उसके लिए यहां पर चेंज आ चुका है। नो एडवांस टैक्स केस वन, द प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हु डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP एंड इज ऑफ एज of 60 years or more at any time during the previous year। अगर एक इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट है प्लस इसकी टोटल इनकम में PGBP शामिल नहीं है और इस व्यक्ति की एज 60 years या उससे ज्यादा है, इन अदर वर्ड्स अगर एक सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम में PGBP शामिल नहीं है, इन दैट केस वो एडवांस टैक्स पे नहीं करता। नंबर टू, Where the SSC is carrying on a business referred to in section 44AD, he is not required to pay advance tax for income relating to such business. अगर कोई व्यक्ति section 44AD that is presumptive income, जहां पर 8% के हिसाब से income calculate किया जाता है, अगर एक SSC presumptive income section 44AD में calculate करता है तो इस presumptive income को advance tax determine करने के लिए consider नहीं किया जाएगा। मान लीजिए यहां पर SSC कहता है 4,40,000 मेरी टोटल इनकम होने वाली है, मगर इसमें से 1,40,000 मेरा सेक्शन 44AD का इनकम है,
तो सेक्शन 44AD की इनकम कंसिडर नहीं की जाती एडवांस टैक्स के लिए, टैक्स के लिए डिटरमाइन की कंसिडर की जाएगी असेसमेंट ईयर में, एडवांस टैक्स के लिए नहीं। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं आपसे दैट 440,000 में 140,000 सेक्शन 44AD की इनकम है, तो बेटा यहां पर 440 नहीं 3 लाख रुपए कंसिडर किया जाएगा और इसके हिसाब से टैक्स निकाला जाएगा। अब श्योरली मैंने 140,000 को हटा दिया है तो ये टैक्स 10,900 नहीं आएगा और SSC को एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी SSC की इनकम में 44AD की इनकम शामिल है तो उसे बाहर कर दीजिए एडवांस टैक्स के लिए, क्योंकि सेक्शन 44AD में साफ साफ लिखा है दैट इनकम अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी टेकन टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स। मगर ये अमेंडमेंट में खत्म हो चुका है, बट दिसंबर स्टूडेंट आपके लिए बेटा एग्जाम में ये एप्लीकेबल नहीं है अमेंडमेंट। तो अभी 2 एक्सेप्शन है, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम में अगर PGP शामिल नहीं है तब वो एडवांस टैक्स पे नहीं करेगा। अगर SSC सेक्शन 44AD की प्रिजम्प्टिव इनकम ऑन करता है तब वो टोटल इनकम में से प्रिजम्प्टिव इनकम को बाहर करेगा और रिमेनिंग इनकम पर 10,000 रुपए का टैक्स को चेक करेगा, ठीक है जी। हाउ टू कंप्यूट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कैसे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, तो जो बेटा ये 2 पेजेस के नोट्स हैं और आप ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर स्टूडेंट जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं या यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, बेटा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और 2 पेजेस के सिंपल नोट्स हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट, What is the due date for payment of advance tax? Advance tax pay करने के लिए due date क्या रहेगी? Companies के लिए advance tax की date अलग होती है, non-companies के लिए advance tax की date अलग है, और यहाँ पर भी Finance Act 2016 ने amendment की है which will be applicable in December, June 2017 and December 2017, आप लोग बच गए हैं, आपके लिए अभी amendment applicable नहीं है। So at present, December 2016 exam के लिए dates क्या है, आइए एक बार check करते हैं। Advance tax is payable in following installments, section 211. In case of SSC other than company, बेटा कंपनी के लिए 4 due dates होती हैं और नॉन कंपनी के लिए 3 due dates होती हैं, ध्यान रखिएगा। कंपनी SSC की 4 due dates होती हैं, नॉन कंपनी की 3 due dates होती हैं। कंपनी की ड्यू डेट्स होती हैं क्वार्टरली, पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, सो अप्रैल मई जून, तो जो क्वार्टर का लास्ट मंथ है जून, उसका मिड 15 तारीख, सो 15 जून, ऐसे सेकंड डेट होगी 15 सितंबर, थर्ड होगी 15 दिसंबर और लास्ट होगी 15 मार्च। सो कंपनी के लिए एडवांस टैक्स की 4 डेट्स होती हैं जी, क्या क्या है बेटा, नंबर 1 15 जून, देन 15 सितंबर, देन 15 दिसंबर और लास्ट है 15 मार्च। बाकी सभी टैक्स पेयर्स के लिए अदर देन कंपनी, चाहे वो इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, इनके लिए सिर्फ 3 ड्यू डेट्स होती हैं, पहली हाफ ईयरली और उसके बाद क्वार्टरली। सो हाफ ईयर मतलब सितंबर खत्म होगा, सितंबर का मिड मतलब 15 तारीख, तो पहली डेट होती है 15 सितंबर, उसके बाद क्वार्टरली 15 दिसंबर और 15 मार्च, ध्यान रहेगा। तो कंपनी के लिए 4 डेट है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। नॉन कंपनी SSC के लिए 3 डेट्स हैं अभी एग्जाम के लिए, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च बेटा, ठीक है। कंपनी के लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, पहले इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स की पेमेंट होती है 15%, सेकंड इंस्टॉलमेंट में होगी 30%, थर्ड इंस्टॉलमेंट में होगी 30% और लास्ट इंस्टॉलमेंट में होगी 25%, मतलब 100% टैक्स एज एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15, सेकंड होती है 45 माइनस अमाउंट पेड अर्लियर, तो इफ वी अज्यूम पहली इंस्टॉलमेंट पर पूरा टैक्स पे कर दिया गया है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाती है 45 माइनस 15 इक्वल टू 30, ठीक है। सो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं फॉर 1 मार्क, पहली इंस्टॉलमेंट 15%, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30%, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30% एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट हाउ मच, 25%। कंपनी के लिए 4 इंस्टॉलमेंट है, नॉन कंपनी के लिए 3 इंस्टॉलमेंट होती है, पहली इंस्टॉलमेंट 30%, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30% और लास्ट इंस्टॉलमेंट 40%, तो 100% टैक्स एज एडवांस टैक्स पे कराना पड़ता है, ठीक है जी। क्लियर है ये, एक नंबर के लिए एग्जामिनर इतना ही पूछ सकता है, चलिए 2-3 एडिशनल पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, अगर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं की जाती,
तो जितना भी कम आपने एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट को पे किया है उसके ऊपर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट तक का डायरेक्ट इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के लिए पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून। अगर कंपनी 15 जून को एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पूरी पे नहीं करती तो डायरेक्टली अगली इंस्टॉलमेंट की डेट जो 3 महीने बाद है तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है। अगर आसान शब्द में कहूं, कंपनी अगर एडवांस की इंस्टॉलमेंट पहली टाइम से जमा नहीं कराती है तो 3% इंटरेस्ट लगता है, 1% पर मंथ डायरेक्टली 3 महीने का, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट और आखिर में 1 महीने का इंटरेस्ट। नॉन कंपनी के लिए अगर पहली इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर पर कम जमा कराई है, जमा नहीं कराई, तो डायरेक्टली 3 महीने का इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से लगता है, जो होता है बेटा 3%। सेकंड, अगर 15 दिसंबर को जमा नहीं कराया, कम कराया, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक डायरेक्टली इंटरेस्ट लगता है कितना, 3% का, दैट इज 1% पर मंथ मल्टीप्लाई 3 मंथ। और अगर 15 मार्च की इंस्टॉलमेंट टाइम से जमा नहीं कराई है, कम जमा कराई है, तो जो 15 दिन का इंटरेस्ट है वो 1 महीने का इंटरेस्ट लिया जाता है 1%। ठीक है, तो कंपनी के लिए पहला इंटरेस्ट 3%, सेकंड इंटरेस्ट 3%, फिर 3% और उसके बाद 1%। नॉन कंपनी के लिए पहला इंटरेस्ट 3%, दूसरा इंटरेस्ट 3% और लास्ट 1%। और ये कवर होता है सेक्शन 234C के अंदर। एडवांस टैक्स अगर पे नहीं किया गया या 90% से कम पे किया गया तो 234B में होता है, वो डिफरेंट हमारा बेटा टॉपिक रहेगा। अगर 15 मार्च के बाद मगर 31 मार्च तक कोई भी टैक्स पे किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, मगर क्योंकि 15 मार्च के बाद पे किया गया है तो उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कम से कम पे करना पड़ेगा। ओके बेटा, सो एक नंबर के लिए एग्जामिनर आपसे डिमांड कर सकता है एडवांस टैक्स की लिमिट डिमांड कर सकता है, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट डिमांड कर सकता है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, हु इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, तो केयरफुली इन्हें कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज इस लाइक बटन को दबा दीजिएगा, और आप चाहें तो मेरा चैनल टैक्स फॉर सीएस सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।